तो भाई लोग आज मैं आया हूँ जैसलमेर, आज मैं आपको दिखाऊंगा जैसलमेर का किला। इसको सोनार किला भी कहते हैं और स्वर्ण किला भी कहते हैं, और रेगिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा किला है ये। तो आज बाहर से ही इतना खूबसूरत लग रहा है, और क्या आपको पता है यहाँ पर 4 से 5 हज़ार लोग तो रहते हैं यार। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि इस किले में 4 से 5 हज़ार लोग रहते हैं। ये पुश्तैनी चलता आ रहा है, ज़्यादातर यहाँ पर राजपूत रहते हैं, राजपूत लोग रहते हैं ज़्यादातर, 80% मान लो राजपूत रहते हैं यहाँ। तो ये किला मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, पूरा अंदर से घुमाऊंगा, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, पूरा इतिहास बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब साथ में घूमते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसलमेर फोर्ट का ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है हमारी। अगर मैं इसके इतिहास के बारे में बताऊं तो मैं आपको बताता हूं कि जैसलमेर किला एक विश्व धरोहर स्थल है, और जिसको भारत के राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित राजस्थान के समूह हिल फोर्ट्स के तहत यूनेस्को ने घोषित किया है। और ये किला राजपूत शासक रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में बनवाया था। उस समय यहाँ के राजा रावल जैसल हुआ करते थे, तो उन्होंने ये बनवाया था, और जहाँ से इसका नाम पड़ा, रावल जैसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय थे। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित महान थार रेगिस्तान के रेतीले विस्तार के बीच जैसलमेर किला खड़ा हुआ है, और कई लड़ाइयों का यहाँ दृश्य रहा है। ये इसकी विशाल पीली बलुआ पत्थर की दीवारें दिन के दौरान एक शेर का रंग है, और जो सूर्य के रूप में शहद या सोने की तरह लुप्त होती है, जिससे पीले रेगिस्तान में किले का नक्श कर दिया जाता है। इसी कारण से इसे सोनार किला या स्वर्ण किले के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत किला है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसलमेर किला 1500 फीट लंबा है, आप सोच सकते हैं 1500 फीट कितना लंबा हुआ यार, और 750 फीट चौड़ा है, और एक ये पूरा एक पहाड़ी पर बनाया गया है जो आसपास के ग्रामीण इलाकों में 250 फीट की ऊंचाई से ऊपर उठता है। और किले के तहखाने में रक्षा की धोरी रेखा बनाने वाली 15 फीट लंबी दीवार भी है, और किले के गढ़ 30 फीट की एक श्रृंखला बनाते हैं, और किले के नीचे की ओर 4 प्रवेश द्वार हैं जिनमें से एक तोप से संरक्षित किया जाता था। एक द्वार में तो तोप लगा के रखी हुई थी, पर हम एक द्वार से जा रहे हैं और इसमें वैसे 4 द्वार हैं, आप देख सकते हैं एक के बाद एक द्वार आते जाएंगे। किले की दीवारों के शिखर पर एक व्यक्तिगत उपकरण फहराया गया है, और इसका उपयोग मौसम को संभालने के लिए किया जाता है। इस्लामी और राजपूत स्थापत्य शैली का नाजुक मिश्रण निश्चित रूप से नेत्र गोलक के प्रशंसकों को पकड़ लेगा, जो रात के दौरान आश्चर्यजनक दिखते हैं। इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी और मुगल सम्राट हुमायूं ने कई बार हमला किया, लेकिन फिर भी ये बच गया। किला परिसर के अंदर पर्यटक कई स्थापत्य इमारतों को देख सकते हैं, जिसमें महलों, घरों और मंदिरों को शामिल किया गया है, जो नरम पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये पूरा जो किला है वो पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके अंदर आप कई मंदिर भी देख सकते हैं, और काफी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर महल भी अंदर बने हुए हैं, और एक नहीं कई महल बने हुए हैं, और इसकी सुंदरता सूर्यास्त के साथ तो और बढ़ जाती है जब सनसेट होता है। जैसलमेर किले में सकर्णीय घुमावदार रास्ते हैं जो किले के कई हिस्सों को गूंथते हैं, और जैसलमेर किले का परिसर इतना विस्तृत है कि इस किले में शहर की लगभग 1/4 आबादी स्थित है, और कहा जाता है कि 4 से 5 हज़ार लोग इस किले में रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 1541 में हुमायूं के हमले के बाद मुगल के खिलाफ रावल की अवज्ञा अंततः टूट गई, और उसने अपनी बेटी की शादी अकबर से की जो हुमायूं का उत्तराधिकारी था। मध्ययुगीन काल में सिल्क मार्ग के साथ जैसलमेर का किला एक महत्वपूर्ण व्यापार और व्यावसायिक पड़ाव बन गया। आपको बताता चलूं, जैसलमेर का किला भारत का एकमात्र किला है जिसमें लोग किले के परिसर में रहते हैं, और जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको, 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर दुकान भी हैं और दुकान भी स्थापित है यहाँ पर, और किले के परिचय में होटल और एक पुरानी हवेली भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर किले की दीवारों की मुख्य 3 परतें हैं। पहली दीवार में नींव को मजबूत करने के लिए ठोस पत्थर के ब्लॉक थे, और दूसरी दीवार किले की संपूर्णता के आसपास चलती है जो एक रक्षात्मक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, और तीसरी दीवार का इस्तेमाल सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर पत्थर फेंकने और दुश्मनों पर उबलते हुए तेल या पानी डालने के लिए किया जाता था, जो अक्सर दूसरी और तीसरी दीवार के बीच फंस जाते थे। सो सोचिए क्या षड्यंत्र रचा जाता था जब भी यहाँ पर हमला होता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी चहल पहल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हमेशा ही यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, और ये प्लेस काफ़ी लोगों को अट्रैक्टिव करती है, तो काफ़ी यहाँ पर आपको रश देखने को मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ का जो राजा हुआ करते थे उनका पैलेस दिखाने ले जा रहा हूँ। ये उनका पैलेस है, आप देख सकते हैं,
उनके पैलेस में हम एंटर होंगे। इस पैलेस की फीस बता दूं मैं तो 200 रुपए का टिकट लगता है इस पैलेस में, आप जाओगे। अब पूरे दिन ये खुला रहता है, आप देख सकते हैं हम राजा के पैलेस में एंटर करने जा रहे हैं। एंटर करते ही आपको लाल निशान देखने को मिलेंगे। ये लाल निशान उसके हैं कि यहाँ पर जो सती हुई थी, जितनी भी सती हुई थी महिलाओं की, रानियों की, उन्हीं के ये निशान हैं। अब हम महल में एंटर करेंगे। ये देखिए, जब हम महल में एंटर करते हैं तो आपको हमें रानी का सिंहासन देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप रानी का सिंहासन, यहाँ रानी बैठती थी। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये सिंहासन जो आप यहाँ पर है, यहाँ पर जो राजा की मेन रानी हुआ करती थी वो यहाँ पर बैठा करती थी, और यहाँ से सामने जो भी प्रोग्राम होते थे उस समय, नृत्य होते थे या नाटक होते थे, जो भी प्रोग्राम होते थे वो यहीं से देखा करती थी। देख सकते हैं हम राजा के महल में एंटर होते हैं। एंटर होते ही सबसे पहले तो हमें टिकट लेना होगा, और इसका प्राइस है 200 रुपये। राजा का महल और म्यूज़ियम दोनों हैं ये, तो इसका 200 रुपये प्राइस है। और जो किला है, पूरा किला है, वो आप घूम सकते हो। किला घूमने के लिए कोई प्राइस नहीं है, लेकिन किले के अंदर राजा का जो पैलेस है उसका टिकट लगता है, और 200 रुपये उसका प्राइस है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़ा किला है अंदर से। राजा का जो महल है अंदर से बहुत बड़ा है। आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत किला है ये, और कम से कम 900 साल पुराना किला है ये। जब ये किला बना था तो उसी समय फिर जैसलमेर की नींव रखी गई थी, उसी समय से जैसलमेर का शहर का नाम पड़ा जैसलमेर। मतलब उस समय ये शहर था ही नहीं, तो जब ये किला बना तो उसके बाद ही इस शहर का मतलब जन्म हुआ, समझो आप। अब देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किला है। कहा जाता है ये भारत का, मतलब भारत का क्या, ये दुनिया का ही मतलब दूसरे नंबर पे सबसे पुराना किला है ये, दूसरे नंबर पे आता है सबसे पुराने किलों में से। और दोस्तों, मजे की बात यार ये है कि पूरा जो किला है और राजा का महल सहित, ये बिना मतलब बिना पानी के बना है, बिना चूना के बना है, बिना सीमेंट के बना है। आप सोचो, ये पत्थरों को इंटरलॉक करके फंसा के बनाया गया है पूरा। सोचो आप, कोई मतलब कोई महल ऐसा भी बन सकता है जिसमें पानी की ज़रूरत ना पड़े, चूने की ज़रूरत ना पड़े, चलो किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एटलीस्ट पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें यार एक बूंद पानी भी नहीं लगा है इस पूरे महल को बनाने में। आप सोच सकते हैं कि क्या गजब की यार कलाकारी है, क्या गजब की कलाकारी है यार। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया था जब मैंने सुना कि ये किला बिना पानी के बना है यार। बिना सीमेंट, बिना चूना तो एक बार को ठीक है, लेकिन यार बिना पानी के बना है, सोचिए आप। अब हम इसमें आप देखेंगे अंदर म्यूजियम भी, आपको यहाँ पर देखिए आप बंदूक देख सकते हैं, उस जमाने की, अंग्रेजों के जमाने की बंदूक है ये। इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये भाले दिख रहे होंगे, तो ये जब उसी टाइम के हैं, ये जब युद्ध हुआ करते थे तो यही भाले और यही सब यूज किए जाते थे। सारे वेपन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं भाले हैं ये, और ये देखिए आप खंजर हैं, तो ये सब उस टाइम पे यूज होते थे, उस युद्ध में यूज होते थे, जो भी युद्ध होते थे। जैसे आपने युद्ध, जो फेमस युद्ध आपने सुना ही है, जैसा मैंने बताया ही है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ है और हुमायूं ने भी हमला किया, ये सारे देखिए, और भी कई युद्ध हुए, तो उन सब में ये तलवारें हैं, ये सब उसी में यूज हुए थे। तो म्यूजियम में ये सब आपको तलवारें वगैरह देखने को मिलेंगी। ये देखिए तलवार, तलवार खंजर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप कितनी तलवारें हैं, और हमें और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मतलब ये देखिए तीर भी है यहाँ पे, धनुष तीर भी है, कितनी ये तलवारें जो हैं, कितनों का खून पिया होगा हम लोग को अंदाजा भी नहीं होगा, देख सकते हैं आप। चाकू, खंजर, तलवारें, काफ़ी चीज़ें यहाँ आपको देखने को, और उस तरह के जो औजार हुआ करते थे तो वो औजार सारे देखने को मिलेंगे आपको। और हम अंदर जाते हैं तो ये देखिए हमें ये अंदर मिलता है, ये देखिए राजा का हमें यहाँ पर,
राजा की चेयर, राजा का सिंहासन हमें ये देखने को मिलेगा, छत्र देखने को मिलेगा, और साइड में आप देख सकते हैं चेयर है, टेबल है, उस समय की वो सब चीज़ यहाँ पे अभी भी सही सलामत रखी हुई है। उस जमाने के फोटोज भी यहाँ पर आपको दीवारों पर देखने को मिलेंगे लगे हुए। देखिए बहुत सारे फोटोज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, कई फोटोज हैं उस समय आप देख सकते हैं, राजाओं के फोटोज हैं और एक के बाद एक राजा के फोटोज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सारे वंशज के यहाँ पर फोटोज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स मैं आया हूँ दीवाने खास। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे राजा की स्पेशल मीटिंग हुआ करती थी अपने प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के साथ। जो भी वॉर और ट्रीटी होता था उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होता था। ये सिंहासन देख रहे हो आप, चेयर देख रहे हो, ये सारी सिल्वर से बनी हुई है। इसके पीछे एक छत्र देख रहे हो आप, राजा का जो छत्र है वो गोल्डन प्लेट से बना हुआ है, मतलब गोल्डन परत उसमें चढ़ी हुई है। तो आप देख सकते हो ये पूरा, ये प्रॉपर सिल्वर है, ये तो प्योर सिल्वर है, प्रॉपर सिल्वर का बना हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि यहाँ के जो राजा हैं जो अभी जीवित हैं और जिन्होंने ये किला बनवाया था कई साल पहले, 800-900 साल पहले लगभग, तो इन पूरे जो राजा हैं ये और उनके वंशज भी हैं, इनको हम यदुवंशी कहते हैं। मतलब जैसलमेर के लोग उन्हें यदुवंशी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहते हैं, कहा जाता है कि वो 116वें भगवान कृष्ण के 116वें वंशज थे जिन्होंने ये किला बनवाया। इसलिए जो जैसलमेर के लोग हैं वो उनको यदुवंशी भी कहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम एक और कक्ष में प्रवेश करते हैं राजा के महल में, और आप देखिए हर वंशज के, राजा के जो हर वंशज हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर दीवारों पर लगी हुई मिलेंगी। आप देख सकते हैं हर तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, ये उनसे वंशजों की तस्वीरें। ये देखिए ये रघुवंशी कहलाए जाते हैं, 116वें, जैसा मैंने आपको बताया था 116वें वंशज हैं थे वो, और वो चला आ रहा है कि भगवान कृष्ण के वंशज अपने आप को बताते हैं, तो भाई वो लगा हुआ था। तो उसमें जो मैंने जो लिस्ट, इसमें अभी वो कैमरे से हट गया है, जो भी लिस्ट उसमें थी तो उसमें सारे वंशज श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के नाम उसमें लिखे हुए हैं बाकायदा। तो फ्रेंड्स अब हम एंटर होते हैं गजविलास में, इन सीढ़ियों के सहारे हम जाएंगे गजविलास। काफी स्टेयर्स देखने को मिलेंगी आपको राजा के पैलेस में। गजविलास में एंटर होता ही हम देखेंगे छोटा सा हॉल, यहां पर होता था मुजरा। देखिए राजा यहां से मुजरा देखते थे, ऊपर से रानियां और महिलाएं, जो और दूसरी महिलाएं होती थी, रानियां होती थी, वो ऊपर से देखा करती थी। ये देखिए आप, और अंदर एंटर होने के बाद हमें काफ़ी एंटिक चीज़ें देखने को मिलेंगी राजाओं के उसी समय की। देखिए आप छत्र देख सकते हैं, आपको छत्र देखने को मिलेंगे, ये देखिए उस समय के छत्र हैं, और ये देखिए घोड़ा, ये उसी समय की क्या कलाकृति रही होगी, उस समय की एंटिक चीज़ें हैं जो आज भी महफूज हैं। ये देखिए छत्र, जो छत्र यूज़ किया करते थे रानी के लिए और राजा के लिए, वो यहाँ पर रखे हुए मिलेंगे आपको आज भी। और अंदर जाएंगे तो आपको काफ़ी मूर्तियां देखने को मिलेंगी, उस समय की मूर्तियां, ये कम से कम 900 साल 1000 साल पुरानी मूर्तियां हैं। आप देख सकते हैं क्या कलाकृति रही होगी यार, 1000 साल पहले क्या, मतलब क्या सोच के बनाया गया है, क्या मूर्तियां हैं यार, गजब की मूर्तियां हैं।
और कोई मूर्ति, एक भी मूर्ति खंडित नहीं है ये, आज भी सही सलामत मूर्तियां हैं ये। और हम जाते हैं, आपको इस महल में काफी स्टेयर्स देखने को मिलेंगे, काफी सीढ़ियां देखने को मिलेंगी। बाहर से देखने में लग रहा था कि राजा का पैलेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत ही बड़ा है ये, और आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा है। देखिए ऊपर जाके अब हम दीवाने आम में जाएंगे, ये हम एंटर होते हैं दीवाने आम में। देखिए ये दीवाने आम है, यहां पर आपको राजा का बेड देखने को मिलेगा। ये देखिए सामने राजा का है बेड, और राजा का ड्रेस भी आपको देखने को मिलेगा, राजा का सिंहासन देखने को मिलेगा। तो राजा के जो भी सामान हैं वो सब यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कितनी बड़ी ड्रेस है, तो कितने हट्टे कट्टे हुआ करते थे यार राजा। ये है दीवाने आम, यहाँ पर राजा और उनकी फैमिली पुत्र वगैरह यहाँ बैठा करते थे। और ये आप देख रहे हैं सामने दरवाजा है, ये पहले दरवाजा उस समय ओपन हुआ करता था, खुला रहता था, और दरवाजे के उस साइड में बाहर की तरफ यहाँ पे जो आम जनता है वो बैठा करती थी और सुनवाई होती थी, जो भी डिस्कशन होता था, अपनी फरियाद लेकर आते थे लोग अपनी, तो वो उसके बाहर बैठा करते थे। पर ही छोटी सेरेमनी भी होती थी, अगर राजा अपने पुत्र को जब राजा बनाते थे, राज देते थे, तब यहाँ पे छोटी सेरेमनी भी होती थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात और मुझे पता चली थी, और ये पता चली यार कि जो तलवारें हमने देखी थी तो वो तलवारें सारी सैनिकों की थी, और जो राजा की तलवारें होती हैं वो ऐसे आम मतलब कहीं भी नहीं रख सकते हम। ऐसा कहा जाता है कि मतलब राजा की तलवार केवल राजा के सिंहासन पर ही रखी जाती थी और कहीं नहीं रखते थे वो, तो ये आश्चर्यचकित वाली बात है। आप देख सकते हैं ये छत्र आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये रानी का पूरा ये जो एरिया है, यहाँ पर रानी का एरिया है, यहाँ रानियां आया करती थी। तो दोस्तों देखिए मैं आपको ये रानी का टॉयलेट दिखा रहा हूँ, यहाँ की रानी का ये टॉयलेट है, और यहाँ पर उस समय दरवाजा नहीं होता था, उस समय यहाँ पर्दा लगाया करते थे, दरवाजा तो अब सरकार ने लगा दिया। आप ये देख रहे हो छत्र पीछे मेरे जो है, तो कहा जाता है कि रानी जब रूठ जाती थी तो यहीं बैठा करती थी, और राजा उस टाइम समझ जाते थे कि रानी रूठ चुकी है, उनकी इन छत्र में बैठा करते थे। और ये उस टाइम का मैं टॉयलेट दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा टॉयलेट, ये उस समय का टॉयलेट है। तो दोस्तों अब हम एंटर होते हैं रानी के महल में। रानी के महल से मैंने आपको एरिया बताया था, वहीं से ही रानी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। रानी के महल में जब हम एंटर होंगे तो हम गंगोर माता की मूर्ति देखेंगे, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। गंगोर माता का मतलब गौरी माँ भी हम कह सकते हैं और माता पार्वती भी हम कह सकते हैं। तो गंगोर माता की, जैसलमेर के लोग गंगोर माता कहते हैं, और इन्हीं गंगोर माता की पूजा किया करती थी रानी और अन्य महिलाएं जैसलमेर की, वहां की अन्य महिलाएं इन्हीं की पूजा किया करती थी। और हर साल राजस्थान में गंगोर माता की होली के बाद एक मेला लगता है, पूजा होता है। आप देख सकते हैं गंगोर माता का ये मंदिर हुआ करता था, उस समय रानी और गांव के जो लोग होते थे वो यहाँ माता की, गंगोर माता की पूजा किया करते। देखिए उधर विलास में हम ये एंटर होते हैं, और यहाँ पर आप एक नक्शा देखोगे, पूरा पत्थर का नक्शा बना हुआ है, ये जैसलमेर फोर्ट का पूरे किले का ये नक्शा बना हुआ है, जो वहाँ के राजा को लोकल के लोगों ने बना के भेंट किया गया था, तो वो ये यहाँ पे रखा हुआ है, पूरा नक्शा है ये जैसलमेर फोर्ट का, अद्भुत कलाकारी है। थोड़ा और हम आगे जाते हैं अब। ये पूरा किला मैं दोस्तों आपको बता दूंगा, आप जब भी आओगे यहाँ पर, वैसे वीडियो में तो आपने काफी कुछ देख लिया होगा, जब भी आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा पूरा भूल भलैया की तरह एक तरह का ये किला है। क्योंकि बाहर से देखा था तो यार कुछ लग ही नहीं आता कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन अंदर जाके देखा तो कहीं कहीं कभी कहीं से नीचे जाना है, कभी ऊपर जाना है, मतलब अलग अलग जगहें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। देखिए ये रानी का कक्ष, ये रानी का कक्ष है, तो यहाँ की रानी का आप कक्ष देख सकते हैं, वो बंद कर दिया गया है, अंदर हम जा नहीं सकते। जो मेन रानी होती थी, पटरानी जिसे कहते हैं, उसका ये मेन रूम हुआ करता था, उन्हीं का रूम हुआ करता था, वो यहाँ रहती थी जो राजा की पटरानी हुआ करती थी। ये दोस्तों देखिए आप, यहाँ पर आपको कपड़े दिखाई देंगे राजा रानी के। तो कपड़े वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और एक और आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि इस किले में 4 से 5 हज़ार लोग रहते हैं, और वो सारे सैनिक जो मतलब राजपूत और पंडित हैं, तो मतलब वहाँ पे उस समय सैनिक हुआ करते थे और पंडित भी हुआ करते थे किले में,
तो उनके जो वंशज हैं वो आज भी रह रहे हैं, जो 4-5 हज़ार लोग रह रहे हैं तो वो उन्हीं के वंशज हैं, और उन्होंने होटल्स खोलनी है या दुकानें खोलनी है, तो किले में होटल्स और दुकान काफ़ी आपको देखने को मिलेंगी। मैं भी उसी होटलों में से एक होटल में रहा था। आप देख सकते हैं ये एक शॉप है, मैं अंदर जाके वीडियो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे अलाउ नहीं किया गया। देखिए क्या कला है यार, क्या अद्भुत कला है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा इस किले का सुरंग। देखिए हम सुरंग में अब एंटर होने जा रहे हैं, ये देखिए सुरंग में हम एंटर होंगे और आप फोटोज देख रहे हैं। ये आर्ट ऑन गैलरी में तब्दील हो चुका है सुरंग। ये सुरंग इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये इमरजेंसी जब भी हुआ करता था, जब भी कोई युद्ध होता था या इमरजेंसी होती थी, कोई भी किसी प्रकार की इमरजेंसी होती थी, ज्यादातर मतलब युद्ध के टाइम पे जो भी बुजुर्ग होते थे, महिलाएं होती थी, रानी थी, महिलाएं थी, दासियां थी और बच्चे हुआ करते थे, इसी सुरंग के सहारे उनको इस किले के बाहर निकाला जाता था। तो आप देख सकते हैं आर्ट एंड गैलरी में तब्दील हो गया है और जो सारी तस्वीरें हैं अब राजाएं, जो राजघराने की तस्वीरें आप देखने को मिलेंगी आपको, तो ये उस टाइम की तस्वीरें हैं, सब तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। कैमल है और जैसा मैंने बताया पूरा आर्ट और गैलरी में तब्दील है, तो ये आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं काफ़ी किले में गया हूँ लेकिन हर किले में सुरंग तो होती है, मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेकिन हर किले की सुरंग को बंद कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है और कोई खतरा ना हो इसलिए वो सुरंग को बंद कर दिया गया है। तो मैं तो इस पहले किले में जा रहा हूँ जिसमें मतलब सुरंग अभी भी बिल्कुल ठीक है और सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है जिसमें, तो है तो आश्चर्यचकित की बात। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको जैसलमेर का किला, यानी सोनार किला या स्वर्ण किला, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय एंड टेक केयर।